शिव सेवक समिति के द्वारा पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा के लिए कानपुर नगर से खाद्य एवं अन्य सामग्री भरा ट्रक केशव नगर से रवाना किया गया। समिति के अध्यक्ष रत्नेश वर्मा शीलू ने बताया कि विगत कई वर्षों से शिव सेवक समिति निरंतर श्री अमरनाथ यात्रा के भक्तों के लिए निरंतर कार्य कर रही है। यात्रा में समिति के द्वारा विगत कई वर्षों से निःशुल्क ई रिक्शा एवं रहने की पर्याप्त व्यवस्था की जाती है। समिति के अध्यक्ष रत्नेश वर्मा शीलू ने हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि इस बार उन्हें भारत भर में पहला चाइल्ड केयर की अनुमति मिली है, जिसमें 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो बाबा बर्फानी की ऊपर तक यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे उन्हें बालटाल में ही समिति ससुरक्षित रखने का कार्य करेगी। सभी कानपुरवासी सौभाग्यशाली हैं कि बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा में कानपुर सर्वोपरि भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि दूसरा ट्रक 17 तारीख को तथा तीसरा ट्रक 21 तारीख को रवाना होगा। उन्होंने बताया कि पवित्र यात्रा 29 जून से 19 अगस्त तक चलेगी। इस बार 7 ई रिक्शा निःशुल्क सेवा प्रदान करेंगे। उन्होंने प्रदेशवासियों समेत नगरवासियों से अपील करते हुए कहा कि आप बेफिक्र होकर श्री अमरनाथ की यात्रा करें। आपकी आवश्यकता को शिव सेवक समिति बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से निरंतर पूर्ण करेगी। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर महापौर प्रमला पांडे, पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया, MLC अरुण पाठक, संघ समिति के अध्यक्ष रत्नेश वर्मा सीलू ने झंडी दिखाकर सामग्री वाला ट्रक को रवाना किया। भदौरिया जी की वजह से इन्होंने जो सन 2022 में हम लोगों को वहाँ पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड में कानपुर नगर की पहली परमिशन मिली, जिससे हम लोग वहाँ पर ई रिक्शा का फ्री संचालन कर पाए, और उसी जो हमारी परमिशन थी वो हमारी 2023 में कंटिन्यू हुई। उसमें हमको साथ में भंडारा मिला, और अब की बार हम लोगों को भंडारे के साथ साथ चाइल्ड केयर की भारतवर्ष में 132 संस्थाएँ जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उसमें इकलौती हम लोगों को कानपुर का सौभाग्य है कि हम लोगों को चाइल्ड केयर की परमिशन मिली है, जिसमें अब 13 साल से कम के बच्चे वो हमारे पास में रहेंगे। उनके पेरेंट्स वहाँ पर जाएँ, दर्शन करने के बाद जब वापस आएंगे तो उनको वहाँ पर वो सेवा मिलेगी। और हमारी जो संस्था है इसका इनॉग्रेशन करने के लिए अब कानपुर की प्रथम नागरिक हर साल पहुँच रही हैं, और इस बार भी वो पहुँचेंगी। माननीय अरुण पाठक जी पहुँचेंगे, रघुनंदन भदौरिया जी पहुँचेंगे, और कानपुर का जो नंबर वन है वो एक्चुअल में नंबर वन बना रहेगा, क्योंकि कानपुर की प्रथम नागरिक साथ में रहती हैं हम लोग। इस बार कितने रिक्शे जा रहे हैं? इस बार हम लोगों के 7 ई रिक्शा वहाँ पर चलेंगे, जिसमें जो है 5 कंटिन्यू रहते हैं, बाकी 2 चार्जिंग पे जाएंगे। चाइल्ड का भी उद्घाटन मेयर साहब के द्वारा होगा, अगला भी उद्घाटन मेयर साहब के द्वारा हो गया, और नया आज जो हमारा चाइल्ड का वहाँ वो भी मेयर साहब करेंगे। 13 साल तक के बच्चे फ्री में वहाँ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और माता को सुरक्षित दिए जाएंगे, उसकी व्यवस्था होगी। मेयर साहब वहाँ उद्घाटन करेंगे। रत्नेश बताएंगे। देखो एक बात, बहुत महिलाएं हैं जाना चाहती, लेकिन उनके बच्चे हैं अब जा नहीं पाती। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अमरनाथ यात्रा जो मेरी बहू बेटियां करना चाहें वो अपने बच्चे के साथ कर सकती, उसका बच्चा सुरक्षित इस बच्चे के साथ और मेरे भाई के साथ और पूरी संस्था के साथ वहाँ रहेगा। खेलने की भी चीज़ है, पढ़ने की भी चीज़ है, खाने की भी चीज़ है, उनकी सुरक्षा की भी है, और फिर जो उनके माँ बाप आएंगे तो उनके सुपर्दी कर दिया जाए। ये जैसे रिक्शा का पहला काम हुआ वैसा बच्चे हुआ, और हमको लगता है तीसरी बार ऐसा बाबा कर दे हेलीकॉप्टर।